शशि जी, आपको भी वो बताया था मैंने, वो क्योंकि डीओ साहब आ रहे हैं, स्कूल का रेपुटेशन है वो एट स्टेक है, और आप इसको लाइटली ले रहे हो, क्या बात है ये? आप कम से कम आप तो इस बात को तो समझा करो। मैंने इतनी इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद अगर हमारा जो ऑफिसर आएगा, हमारा पूरे स्कूल का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। सर मैं इतना अच्छा, काम तो करती हूँ सर, अब भी देखिए आपके सामने यहाँ पर आई करेक्शन वॉज खड़ी नॉट हूँ मैं। एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम यू। आई स्पेशली मतलब खासकर आप तो एक साइलेंट वर्कर हो, मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड दिस थिंग, मगर आपने ये क्या, आप पूरी जिम्मेवारी को निभा ही नहीं रहे हो। आपको क्या जिम्मेवारी दी थी मैंने, जब वो डीओ साहब आने वाले थे, आने वाले हैं, तो क्या जिम्मेवारी दी थी मैंने आपको, आपने निभाया उसको? सर कोर्स चल तो रहा है सर, जैसे पेज से चल रहा है, बच्चे भी नहीं समझते सर, तो बच्चों को दोबारा दोबारा भी समझाना पड़ता चैप्टर। अब वो कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आया, तो हमें दोबारा समझाना पड़ता। अब या तो हम अपना कोर्स ही कैसे चले जाएं सर, नहीं कैसे, मतलब देखो ना, अब उन्हें आपने पिछला समझ आपने में नहीं कौन आया सी सर। स्ट्रेटजी यूज की है उसमें, बताओ। मैं तो आपको बार बार बोल रहा सर हूँ, आई सर वांट कि सर मतलब ये सुकून जो है सही स्मूथ फंक्शनिंग चले। मैं वही कह रहा हूँ सर, जब तक बच्चों को पिछला समझ में नहीं आया कि हम आगे उसे कैसे ले जाए, जब बच्चा कहते हैं हमें समझ में नहीं आया, मैथमेटिक्स मेरी क्लास है, उन्हें फॉर्मूले समझ में नहीं आए, तो सर पहले तो वो समझाएंगे बेस उन्हें, जब आगे चलेंगे। अब वो कोर्स थोड़ा पीछे रहता है, आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास सर, अगर आप परमिट करेंगे मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा सर। देखो मैं कोई नहीं ये बात नहीं सुनूंगा आपकी, मैंने ये कोई नहीं सुना, ये बहाने कोई एक्सक्यूज नहीं मेरे सुने, प्लीज बी साइलेंट। आपको वो एमडीएम का मैंने वो सौंपा था, क्या किया उसके सर बारे में? आपने वो कैशबुक कंप्लीट नहीं है, सर कैशबुक तकरीबन कंप्लीट, मैंने वो रिक्वेस्ट डाल दी थी कि हमारा ग्रेन नहीं आ रहा है सर। दीज एक्सक्यूजेस आई विल नॉट लिसन, एटलीस्ट ये पूरा मुझे काम चाहिए, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मैं नहीं मानता इस चीज को। आप मुझे बताइए जरा वो कैशबुक कहाँ है आपकी? कैशबुक तो नहीं है सर, एक थोड़ी उसमें जो गलती यही हुई है सर, जहाँ से वो हमने ग्रेन लिफ्ट करना था, रिक्वेस्ट मैंने आपने डाला। प्लीज बी साइलेंट, बी साइलेंट, आपका भी कोई काम कंप्लीट नहीं है, ऐसे आप बोलते रहते हो। दीप जी, आपको डीओ साहब जब आने हैं तो आपको मैंने एक ये चीज सौंपी थी कि भाई आपका वो क्या क्या करना, आपने आपने उसको क्या किया उसके बारे में? जब मैं क्या बताऊं, जब आप सभी को डांट रहे हो तो मैं भी बताऊंगा, तो आप इसी तरीके से करोगे तो आप सुनते तो हो नहीं हमारी बात, क्या ये क्या चक्कर है, आप कैसी स्टेटमेंट दे रहे हो? मैंने जब बताया आपको तो ये कैसे बोल रहे हो आप? इज दिस वे ऑफ टॉकिंग, इज दिस वे ऑफ टॉकिंग, आप हेड से ऐसे बात कर रहे हो? मैं जब 100 बार आपको इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं। देखता हूं सर, करूंगा करूंगा, देखूंगा। आमिर साहब, आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में क्या है, केमिस्ट्री का मैंने आपको प्रैक्टिकल जो आपने क्या सिलेबस कंप्लीट किया? मैंने आपको वो रिक्वेशन दी थी केमिकल्स की, क्योंकि केमिकल्स तो लेबोरेटरी में खत्म हो गए, मैंने रिक्वेशन दी थी आपको, मैंने एलो किया था उसके लिए, आपने उस काम को सर अंजाम किया? मैंने आपको रिमाइंडर भी दिया था कि सर ये प्रैक्टिकल का सामान नहीं आया है, मैंने आपको रिमाइंडर भी दिया था, लेकिन आपने देखो, आई विल नॉट लिसन दिस एक्सक्यूजेस, मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार के मैंने कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुने, आपने इस काम को करना, वो प्रैक्टिकल का जो टाइमली होना चाहिए, और मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज द एक्शन विल बी टेकन। केमिकल्स कब आएंगे सर? केमिकल्स कब आएंगे सर? मैंने आपको अप्रूवल दी थी, आपने क्यों नहीं लाया उसको? नहीं सर, पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है, आपने चेक, मैंने तो वो ग्रांट सेक्शन की थी आपके बारे में, आप ऐसे बोलते रहते हो, क्यों बोलते हो आप ऐसे अननेसेसरी, आप बोलते रहते हो ऐसे, ये क्या बात है, ऐसे क्यों बोलते हो आप? मैंने हमेशा आपको ये अप्रूवल दी, सब कुछ आपको दिया, और फिर आप ऐसे बात करें? हाँ जी, आपका आपका सिलेबस भी कवर नहीं है, और आप तो आपके क्लास में तो मैंने देखा नहीं आपको क्लास में, कहाँ थे आप मीटिंग में भेज दिए थे, मैं क्या करूँ? कौन सी मीटिंग में भेज दिया था मैंने? वो 1 मंथ, प्लीज बी साइलेंट, बी साइलेंट, आपका काम करो, काम करो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप तो हम लोगों के सुनते नहीं है सर। सुनने क्या, मैंने आपको जो 100 बार बोला, अपनी अपनी तो सुनते हैं, हम लोगों की तो कोई बात नहीं सुनते। क्या सुना आपका, क्या सुना आपका, जब आप काम ही नहीं करते हो। 1 मंथ कोर्स करने के लिए दिल्ली भेज दिए थे, तो हमारा सिलेबस पीछे जाएगा कि आगे जाएगा? देखो देखो जगजीवन जी, प्लीज आप काम करो, मैं बोल रहा हूँ, मैंने इंस्ट्रक्ट किया आपको, जैसे मैं अकॉर्डिंगली आप काम करो, आप तो ऐसे अपनी बस पता नहीं क्या एक्सक्यूजेस बोलते रहते हो। हाँ सुदेश जी, आप बताइए जरा अपने काम के बारे में, जो आपको असाइनमेंट दी थी मैंने। सर मैं हिंदी तो पढ़ा रही हूँ, थोड़े बच्चे वीक थे हिंदी का, मैंने देखा एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं है, और होमवर्क भी नहीं किया हुआ सर, था। मैं थोड़ी सेहत मेरी खराब हो गई, सेहत के बारे में मैं क्या जानता हूँ
सर जब ठीक ही नहीं होगा तो कितना। मैं कोई सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं सबसे पहले मेरे स्कूल का काम देखना। सर इन्होंने लीव के लिए भी अप्लाई किया था, इनकी तबीयत, आपने लीव, आप पहले ही, आपकी लीव पहले ही बढ़ गई है सर। आपकी एक रिक्वेस्ट है सर मेरी, सर मेरे परिवार में शादी है और मुझे छुट्टी चाहिए 5-6 दिन। आई विल नॉट सेंक्शन यू। प्रिपरेशन, देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो एज पर इंस्ट्रक्शन जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसके अकॉर्डिंगली काम होना चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ऐसे आप बिहेव करोगे। तो इसी के साथ मैं मतलब मैं आपको ये लास्ट ही बोल रहा हूँ, ये लास्ट वार्निंग है कि आपको जैसे काम सौंपा जाता है उसके अकॉर्डिंग करना।